बावल से बड़ी खबर। बावल से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल ने नामांकन लिया वापिस। रामेश्वर दयाल ने कहा कि मेरे पास कोई कार्यकर्ता नहीं आता है। कार्यालय ओपनिंग पर 10-15 कार्यकर्ता आए थे, उसके बाद सभी नदारद हो गए। बिना कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जिला अध्यक्ष का काम होता है चुनाव की प्लानिंग करना। जिला अध्यक्ष ने कोई प्लानिंग नहीं की। बिना प्लान के कभी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियां देने की बात कही थी, मगर कोई गाड़ी नहीं भेजी। इन सब बातों से दुखी होकर मैंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। मामला कुछ नहीं, मामला ये है भाई, कार्यकर्ता तो कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे। जैसे 7 तारीख को मैंने ऑफिस खोला था, उस टाइम तो आए थे 10-20 आदमी। उसके बाद में ऑफिस पे कोई भी कार्यकर्ता नहीं आता, ना कोई प्रोग्राम बनवाते, ना जाने की बात करते, और ना ही कोई, जैसे दुष्यंत कुमार दिल्ली कहता है तक मैं गाड़ी दूंगा, मैं ये मदद कर दूंगा गाड़ियों की, तो कोई आता नहीं। खुद पंच 7 तारीख को 1 घंटा मुश्किल से रुका होगा जिस टाइम ऑफिस खुला था। उसके बाद में आज तक कभी भी पंच ने, जो कि जिला अध्यक्ष है, उसका काम है प्लानिंग बनाना, वो कभी भी नहीं आया। अब इलेक्शन कैसे लड़ा जाए बगैर कार्यकर्ता के, साथियों के बगैर थोड़े लड़ा जाएगा इलेक्शन, तो इलेक्शन के ढंग से लड़ा जाएगा। एक भी कार्यकर्ता पार्टी का नहीं आता, इसलिए मैं तो बिल्कुल चारों तरफ से इस हिसाब से देख के दब गया कि भाई तेरी पार नहीं पड़नी इलेक्शन में, बेइज्जती होगी बुरी, इसलिए मैंने इस फार्म को विड्रॉ कर दिया। भाई विवाद ये था, वो जिला अध्यक्ष वो पहुंच गया, वो कह रहा था भाई फार्म मट्ठा, मैं बोला भाई मैं तो उठाऊंगा, मैं तो उस पर विवाद था। वो चाहता था कि भाई ये इलेक्शन लड़े और फार्म नहीं उठाए, मैंने कह दिया भाई मैं तो फार्म उठाऊंगा। तो अभी जेजेपी पार्टी से बाय बाय, भाई अब तो बाय बाय हो गई। हाँ, तो अब किस पार्टी में जाने की इच्छा है? नहीं, अब कोई किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो अपने समर्थकों को क्या संदेश देंगे? तो देखेंगे, 1-2 दिन बाद में बुला के सलाह लेंगे, भाई आपका क्या विचार है, उनसे सलाह लूंगा।